हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फी, हरियाणा का नंबर वन कोचिंग सेंटर ICS। युवा क्या चाह रहे हैं? युवा तो चाहे जी कह किसान है जमा ही मरिया पड़े है। अरे आंगो की काम चल रहा जब मैं नई हूँ जी काम को। अच्छा, अरे जब मेरो काम चल रहा को नहीं तो ये इनका काम चलेगा तो आपके आप सैलून का काम तो बालों को तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो बालों बढ़ना कहने लॉकडाउन लगा दियो बंद रखी हूँ 5 महीना दुकान है मन्ने की मिली ही को नहीं टब्बर मेरे भूखा है गाँवगा पड़ा है मेरला तो गाँवगा ना हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा रही सरकार के भरोसे। आपको लॉकडाउन में कोई मदद नहीं मिली? लॉकडाउन में मैंने कत्ता ही मदद करी, बैंक में गयो नहीं एक मेरा सागी पीसा कटाने खातिर जब भाई रोक दिया बोलिया का भाई कौन मिला तेरा का तू आई बाद में मैंने तो चक्कर कटा के आग तो गयो मैं तो मोदीडो करके आग तो गयो। तो अब चुनाव आ रहा है तो चुनाव में आपका वोट कहाँ जाएगा? चुनाव की बीजेपी डन दी को नहीं वोट सारा काम नहीं मैंने नून तो दे गया पर जा घर घर जाके बुलाओ दू जू वोट कौन दिरा दी। अच्छा एक भी वोट नहीं डलने दोगे? वोट कौन सा बीजेपी का ना बीजेपी का कैंडिडेट आवे काम है और सारा काम ने कह दिया मैं तो क्योंकि मैंने की मिली को नहीं मेरी 5 महीने दुकान बंद रही। आप वैसे शादियों में भी गांव में घर घर जाकर के न्योता देते हो? मैं न्योता शादी में जाके घर घर सारा न्योता दियो बुलाओ दियो सारा गांव मेरी मन है और सारा गांव मेरे साथ दे। ठीक है लेकिन सरकार तो मेरा खसागत खट्टी कर रखी है अंदाजी को आप सरकार की अकड़ आप निकालोगे चुनाव? अकड़ के मैं क्यों जमा ही अंकड़ काट नहीं आएंगी तो करा गए तो फिर की मिलनी कौन लाग रही हो बैंक मैं गयो बैंक में मगर मैंने पशु को लोन दे दे रहा है वो बोलियो मैं पशु को लोन कौन दियो मेरे साग हो छोरो साग हो मैंने मैनेजर काट दियो पकड़ के बोलियो तू चालक है तो मैं बताऊं ये सरकार ने हवाला देना था अभी सरकार जो है वो पशुपालकों को लोन दे रही है वो लोन मिलना चाहिए उद्यमियों को लोन दे रही है जो कोई काम आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार जो है वो लोन दे रही है कोई भी लोन आप मेरे तो भाई डॉक्टर सर्जन का और का सारा सहन पड़े बा फाइल पड़ी मेरे घरे है और मेरे तो कौन करे मैनेजर बोले मैं तो कौन कराऊंगा SBI का बने तो आपत्ति आपत्तिजनक कोई बात ना कह के आपत्ति तो मैं कत्ता ही कौन कहूँ ना छो बोलो वो है नहीं बन तो जब मैं बैंक बुरो हल कर रखे हुए बुरो हल कर रखे अपने बैंक को ना तो किसान दे जावे नहीं जा कहते मारो तो आज 2:30 बज गया लेंच हो गयो अब बेटा किसान जावे और आप सरकार के जो है खिलाफ वोटिंग करवाओगे? हाँ खिलाफ वोटिंग है मैं वोट दिया कि नहीं मैं दियांगा बीजेपी के खिलाफ। अच्छा तो किसको दिलवाओगे बाकी? बाकी कैबे सिंह ने पड़ागा क्या कांग्रेस ने पड़ागा बस दो ही पड़ागा हाँ जी कहो जे कांग्रेस में बगावत नहीं होनी तो कड़ी टक्कर देगी अभय सिंह ने। अच्छा अरे जब बगावत है कांग्रेस बगावत के कारण सारे देश के अंदर हारती है तो कहते हैं भी कांग्रेस को जब टिकट मिलती है उसके बाद कांग्रेस है वो बट जाते हैं उनके नेता। हाँ बिल्कुल बट जाते हैं केबी सिंह एक बार टिकट नहीं मिली तो बगावत करी हाँ रणजीत सिंह बगावत करते हैं भरत सिंह भी बगावत करते हैं। अब देखो ने कहा कि मैंने कभी किसी नेता की बगावत नहीं करी कल उन्होंने कहा छोड़ो बगावत नहीं करी रमेश बहादुर ने टिकट मिली उस टाइम बगावत की थी। कब की थी भरत सिंह ने बगावत? रमेश बहादुर ने टिकट मिली तो बगावत की थी। कब की थी कब कोई सबूत है कोई किसकी कोई बातचीत हो? उन्होंने अनाज मंडी भरत सिंह बेनीवाल ने कहा चोपटा की धर्मशाला में मैंने कभी किसी नेता की कांग्रेस के अलावा किसी को वोट नहीं डलवाए जबकि मेरी बगावत जो है कई नेताओं ने करी। खुफिया हिसाब से बगावत करते हैं चौड़ा आने के बाद में तो इनको निकाल दिया जाता है पार्टी से क्या सबूत दें आपको? तो किसके पास डलवाए वोट कहाँ बगावत करी है? वोट है मेरे मान लो किसी देने के लायक ही नहीं है पिछड़े इलाको हेठ है कोई सरकार आ गई जितना है कोई विधायक बन गयो वो संभाले नहीं दुग्गल मणि अठे आई नहीं सरकार अठे मान लो कोई काम कर नहीं किसाना ही फसल नष्ट हो रही है 2020 को खरीफ की फसल को मुआवजो तय करो आज तक किसान सिर मारता फिर एक पंजी कौन दी तो विश्वास उठ गया सारी सरकारों किसान अपनो संगठन अलग मना लग रहे है धीरे धीरे कामयाब होगा फिर इस देश का कोई समस्या का समाधान होगा नहीं होगा। अच्छा धन्यवाद।